subscribe to our channel Awaaz TV and press the bell icon for updates. नाजरीन प्रोग्राम आखिर छाकर जैसा कर आऊं तवाजो मेज़बान अली रज़ा मंगी तवा जारो हाजिर है। नाजरीन पाण अज मुल्की सियासी सूरतयाल जी गाल कंदासी त छिकदाण वारी सूरतयाल आहे। अज पीडीएम पावर शो करे रहयो आहे। मुल्तान में रुकावटूं रखियूं वयूं, इजाज़त न ॾिनी वई, उन जे बावजूद बि मौलाना फज़ल रहमान साहब, मरियम नवाज़, आसफा भुट्टो ज़रदारी साहिबा समेत जेके मुख़्तलिफ़ पार्टियूं आहिनि उन्हनि जी क़यादत उते पहुती आहे ऐं उहे उते हिन वक़्तु जलसो बि जारी आहे। रुकावटूं टोड़े ही सभु माण्हू उते पहुता आहिनि ऐं हिकु पासे वफ़ाक़ी सरकार चवे थी कोरोना जी वबाई सूरत हाल आहे, उन जे करे असां इजाज़त नथा ॾेई सघूं ऐं ॿिए पासे ही जलसा थी रहिया आहिनि। सियासी पावर शो थी रहियो आहे। इन सॼी सियासी सूरत हाल ते तज़ियो मालूम करण जे लाइ असां राबितो कयो आहे सीनियर तर्ज़ निगार आहिनि सुहेल वड़ाइत साहबु, असां लाइन ते मौजूदु आहिनि। अस्सलामु अलैकुम सुहेल साहबु। सुहेल साहबु, कैसे देखते हैं ये जो आज पावर शो हो रहा है मुल्तान में, तो सारी रुकावटें तोड़कर उसके बावजूद जो हैं ये वहाँ पर पहुँचे हैं, पीडीएम के जो रहनुमा हैं अपने अपने जो ख्यालात हैं उनका इजहार भी कर रहे हैं और कहते हैं कि कुछ भी हो जाए हम अपनी तहरीक को जारी रखेंगे। मेरा ये ख्याल है कि हुकूमत ने खामखा एक बदमजगी पैदा की। अगर इसको फ्री हैंड देते जलसा तो हो गया, पहले भी हो जाता। अब ये तीन दिन जलसा होता रहा है, तीन दिन खबरें बनती रही हैं, इसकी बजाय एक दिन जलसा होता, उसका जो भी इम्पैक्ट होता और उसका एक डिफरेंट था। अब ये मजामती जलसा बन गया, मुल्तान में तीन दिन से तमाशा लगा हुआ है, तो ये हुकूमत के कोई फायदे में नहीं गया, नुकसान में गया। अच्छा सुहेल साहब, आप कैसे देखते हैं कि जो वफाकी वज़रा हैं वो तो इज्तिमा भी कर रहे हैं और छोटे जुलूस कहें उनको, छोटे जुलूस भी हो रहे हैं, जलसे भी हो रहे हैं, उनकी जो मुलाकातें हैं वो भी हो रही हैं, तो ये क्या एक मतलब दोहरा जो रवैया है हुकूमत का, तो इसको कैसे देखते हैं? क्या हिज़्ब इख्तिलाफ़ के लिए अलग रवैये हैं और जो हुकूमती रहनुमा हैं उनके लिए अलग रवैये हैं? अली रज़ा मंगी साहब, ये चलता नहीं होता। हर कोई बंदा आंखें रखता है, हर कोई बंदा निगाह रखता है, हर बंदा शऊर रखता है। आप हुकूमत खुद जो है वो ना टेस्ट कैंसिल कर रही हो, जलसे भी इनके हो रहे हो हैदराबाद सक्कर में, असद उमर साहब खुद एनसीओसी के सरबराह हैं, वो खुद जलसे कर रहे हैं, छोटे छोटे इजमात कर रहे हैं, तो लेकिन अपोजिशन को जो है एक जाहिर है वो कोई रूटीन का जलसा तो नहीं कर रहे, वो मजामती जलसा कर रहे हैं। वो सारी सूरत हाल पे नाराज हैं, वो अपनी गिरफ्तारियों पे नाराज हैं, वो अपने मुकदमात पे नाराज हैं, लेकिन उनको ये कहा जा रहा है नहीं आप मामूल के मुताबिक जो है वो मास्क पहने और आप घरों पर बैठे। जाहिर है घरों पर वो बैठता है, मास्क वो पहनता है जो जिसके हालात मामूल के मुताबिक हो। अपोजिशन तो उबल रही है, अपोजिशन तो बॉइलिंग पॉइंट पर है, बॉइलिंग पॉइंट वाले जाहिर है जो है वो आराम से नहीं बैठ रहे। सही। अच्छा सुहेल साहब, गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने एक ट्वीट जो है जारी किया, उसमें वो कहते हैं कि जो गैर जमहूरी सियासी क़यादत है, तो मतलब गैर जमहूरी सियासी क़यादत जो है वो आवाम के जान और माल की हिफाजत के लिए नहीं है और उनको कोई उनके वो अजीज़ नहीं है, तो ये गैर जमहूरी सियासी जो टर्म उन्होंने यूज़ किया है इसको आप कैसे देखते हैं? आप इस पर अपने मेरा ये ख्याल है कि हुकूमत भी जमहूरी है, अपोजिशन भी जमहूरी है, दोनों को आवाम ने इलेक्ट किया है, दोनों को वोट दिए हैं, किसी को भी गैर जमहूरी कहना मुनासिब नहीं है। गैर जमहूरी तो वो होता है जिसको वोट ना मिले और वो इक्तदार पे आ जाए या वो अपोजिशन में आकर बैठ जाए। दोनों को वोट मिले हैं, दोनों को आवाम की हमायत हासिल है। अगर हुकूमत को वोट मिले हैं तो अपोजिशन को भी वोट मिले हैं, सही, वो भी जमहूरी। सही। अच्छा सुहेल साहब, आप कैसे देखते हैं माजी के जो वाकयात हैं, माजी की जो तहरीकें चली हैं उनके, उनको नज़र में रखकर क्या आप कैसे देखते हैं कि क्या ये जो सिर्फ एक दबाव जो है हुकूमत पर पीडीएम का सिर्फ एक दबाव होगा या इसका कुछ हासिल मतलब भी होगा? देखिए दबाव से तो हुकूमतें नहीं जाती, ये जो जलसे हैं या इनसे ये नहीं ये तवक्को करना कि हुकूमत खुद ब खुद चली जाएगी, ऐसा तो नहीं होता। हाँ अलबत्ता जब ये लॉन्ग मार्च की कॉल देंगे, लॉन्ग मार्च एक सीरियस थ्रेट होता है,
और लॉन्ग मार्च जितने भी हुए हैं उसके नतीजे में कुछ ना कुछ तब्दीलियां जरूर आई हैं, चाहे वो नवाज शरीफ का लॉन्ग मार्च हुआ तो अदलिया बहाल हो गई, एक लॉन्ग मार्च 93 में हुआ तो नवाज शरीफ की हुकूमत चली गई, इसी तरह जो छोटे मजहबी लॉन्ग मार्च हैं वो भी अपने मकासद किसी हद तक हल करने में कामयाब होते हैं। तो लॉन्ग मार्च इज ए सीरियस थ्रेट, बाकी चीजें जो हैं वो जाहिर है उनका इतना इम्पैक्ट नहीं। सही। अच्छा, आसिफा भुट्टो जरदारी साहिबा आज अपने करियर का आगाज कर रही हैं इस जलसे से, तो उसको आप कैसे देखते हैं? बिलावल साहब भी हैं, उनका जो मिजाज है सियासत में वो कैसा है? आसिफ जरदारी साहब वो आई हैं स्टाफ गैप अरेंजमेंट के तौर पर, फिलहाल तो वो इसलिए आई हैं कि बिलावल साहब बीमार हैं और बिलावल साहब नहीं जा सकते तो उनके स्टाफ गैप अरेंजमेंट के तौर पर आई हैं, लेकिन उनकी दिलचस्पी सियासत में बड़ी भरपूर है और उनकी शुरू से बचपन से हमें पता है कि वो सियासत में बड़ी भरपूर दिलचस्पी लेती हैं, बड़ी इमोशनल हैं और बड़ी फायर ब्रांड हैं और उनका अपने बहन भाइयों पे बड़े असरात हैं, अपनी वालदा के सामने भी वो अपनी मर्जी का इजहार कभी पोस्टर लहरा कर कभी बैनर लहरा कर किया करती थी, तो उनके आने का डेफिनेटली सियासत पर एक इम्पैक्ट होगा और अगर आज उनकी तकरीर वगैरह अच्छी गई तो मेरा ख्याल है कि वो सियासत में एक मुस्तकिल हैसियत भी इख्तियार कर सकते। सही। अच्छा अच्छा सोहेल साहब, आप कैसे देखते हैं कि ये एक वबाई सूरत हाल है, उसमें जो हुकूमती क़यादत कहें या सियासी क़यादत कहें तो क्या वो गैर संजीदा हैं? जैसे कि हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी देखा है कि जो वफाकी वज़रा होते हैं, हम मेरा ख्याल है कि ज़ाती तौर पर तो सारे संजीदा है, इज्तमाही तौर पर संजीदा नहीं है, जहाँ भी हम इकट्ठे होते हैं वहाँ मेरा ख्याल है संजीदगी रुखसत हो जाती है, ये हमारा वैसे भी रवैया है, इज्तमाही रवैयों में हम पहले भी बड़े गैर मोहतात हैं जबकि ज़ाती रवैयों में ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि यही वबा का भी हाल। सही। अच्छा, क्या समझते हैं आपके, क्या कोई इम्कान है गिरफ्तारियां होंगी कोई इस जलसे की? गिरफ्तारियां तो पहले भी हुई हैं लॉन्ग मार्च से पहले और लाहौर के जलसे से पहले, मेरा ख्याल है एक ट्रेलर और चलेगा लेकिन ये हुकूमत के लिए अच्छा नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सोहेल साहब, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, प्रोग्राम जारी है, वठूं था नलिसाई।